आज के समय में नौकरी एक व्यक्ति के जीवन की सबसे जरूरतमंद चीजों में से एक होती है। हर किसी की चाहत होती है कि वो एक ऐसी नौकरी करे जिसमें अच्छे पैसों के साथ साथ तरक्की भी हो, लेकिन कभी कभी योग्यता होने के बावजूद भी नौकरी मिलने में परेशानी आती है। ज्योतिष के अनुसार इन सब का कारण ग्रह होते हैं, जिनके कारण काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें कर आप अपनी राहों में आने वाली अड़चनों को दूर कर सकते हैं। सुबह सुबह पक्षियों को दाना खिलाने से भी नौकरी मिलने में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। पक्षियों को रोजाना 7 प्रकार के अनाज मिलाकर दाना डालें, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। नौकरी पाने के लिए महीने के पहले सोमवार को सफेद कपड़े में काले चावल बांधकर मां काली को अर्पित करें। इंटरव्यू में जाने से पहले एक नींबू लें और उसके ऊपर चारों दिशाओं में 4 लौंग गाड़ दें। इसे लेकर ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप 108 बार करें और फिर अपने पास रख लें। जब भी इंटरव्यू में जाएं ऐसा करें और नींबू अपने साथ ले जाएं, नौकरी जल्द मिलेगी। नौकरी के लिए बजरंग बली की पूजा करें। अपने घर में हनुमान भगवान की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें उनका उड़ता हुआ चित्र हो। रोजाना उनकी पूजा करें, आपकी समस्त अड़चनें खत्म हो जाएंगी और जल्द ही नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू में जाते वक्त गाय को गुड़ चना या आटे के पेड़े में गुड़ रखकर खिलाने से नौकरी की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। ध्यान रहे कि आप अपने हाथों से गाय को ये खिलाएं, तभी इसका फल मिलेगा। जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। स्नान के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। इसके बाद भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जलाकर अपनी इच्छा कहें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। हर शनिवार शनिदेव की पूजा करेंगे तो जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होंगी। हर शनिवार उनकी पूजा करते हुए ओम शन शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें। आपकी राशि में जितनी भी बाधाएं हैं सभी दूर होंगी और नौकरी शीघ्र ही मिलेगी। इंटरव्यू देने से पहले घर से दही और चीनी खाकर निकले। घर से निकलते समय अपना दायां पैर आगे रखें। बड़े बुजुर्गों की कही बात वाकई बहुत ही कारगर होती है। जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। स्नान के पानी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला लें। इसके बाद भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जलाकर अपनी इच्छा कहें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब भी इंटरव्यू देने जाना हो उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यकीन मानिए आप इंटरव्यू में सफल होकर ही लौटेंगे।